कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। बेटे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर। दोस्तों भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया। दोस्तों मैंने सीए किया, मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया, मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी किया, मैंने लंदन के अमेरिका के बड़े सारे कोर्सेज किए और उसके बाद ये जाना कि जो ज्ञान मेरे पास आया है मैं उस ज्ञान को क्यों ना बांटू यूट्यूब के थ्रू। तो बेटे मैं आज के इस लेक्चर में आपको जर्नल एंट्रीज का वीडियो नंबर 3 दे रहा हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आपने पहला लेक्चर वीडियो 1 वीडियो 2 जरूर देखा होगा। बेटे नहीं तो डायरेक्टली वीडियो 3 में आप देखेंगे तो समझ आने वाला नहीं है। बेटे जब तक आप ABC से शुरू नहीं करेंगे तब तक जेड तक कैसे पहुंचेंगे और समझ कैसे आए। आप बीच में ज्वाइन करें डी में ई में तो बेटे आप ABC तो हार गए ना, आपको ABC तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो मेरी आप सबसे ये प्यार भरी बात है, एक दिल से दिल की बात कि आपको अगर सच में जर्नल एंट्री समझनी है, बेटे मैंने रिकॉर्ड किया अपलोड किया आप ही के लिए तो किया, तो आप लेक्चर 1 पहले देखिए, मेरा वीडियो 1 जर्नल एंट्रीज का पहले देखिए, वीडियो 2 पहले देखिए। बेटे कुछ ना कुछ उसमें आपको आइडिया जरूर लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको रिलेशनशिप पता चलेगी। भले मैं आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज तो करूंगा लेकिन बेटे वो तो ट्रेलर देने की बात होगी। अगर सच में मूवी देखनी है तो मैं कहूंगा जनरल एंट्रीज का लेक्चर 1, जनरल एंट्रीज का लेक्चर 2 और फिर आज का जनरल एंट्रीज का लेक्चर 3 देखें। और इससे भी जनरल मैंने वैसे जनरल एंट्री के लेक्चर 1 में ये बात बोली हुई है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के भी वीडियोस मेरे पहले देखने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं बेटे, आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे। देखिए बेटे कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मैंने कमर के आसपास एरोस डाल दिए। बेटे देखो बेटे कहते हैं कि जैसे आप चेयर में बैठ के पढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल आपकी कमर सीधी होनी चाहिए क्योंकि तभी प्राण शक्ति का फ्लो उसमें ज्यादा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बैठने का पोस्चर का ध्यान रखें। मैं ये कहूंगा इसके साथ साथ आप हमेशा खुश रहें। कहते हैं हम जब खुश रहते हैं, जब हम जॉली नेचर के होते हैं, जब हम चेयरफुल होते हैं तो हमें सब चीजें जल्दी जल्दी समझ आती है। बेटे गुस्से में नहीं बैठना, टेंशन में नहीं बैठना, स्ट्रेस में नहीं बैठना। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, मैं भूपेश आनंद आपको आज की लेक्चर में जनरल एंट्रीज के लेक्चर में ग्रेट पॉइंट करता हूँ और मैं जनरल एंट्रीज में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मैंने आपको 2 लेक्चर्स बता दिए हैं, वीडियो 1 वीडियो 2, आज का ये जो लेक्चर है बेटे वीडियो 3 का है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसको नोट डाउन करें। ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब का लेक्चर है, जब मर्जी देख लिया, जब मर्जी देख लेंगे याद रहेगा, लिखने की क्या जरूरत है, जब मर्जी देख लेंगे है यूट्यूब में। नहीं बेटे बेटे ये कुछ दिनों के लिए मैं हटा दूंगा इसको, तो आप इसको अंडरलाइन करें, रजिस्टर में नोट करें तो ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं बेटा प्राइवेट कर दूंगा कुछ दिनों के बाद, आप अभी देख लें, अभी लिख लें। ऐसा मत समझे कि आपको सौगात मिल गई है, बेटा उसका फायदा कुछ नहीं होने वाला आपको। भले आप डाउनलोड करके रख भी दें, हजारों चीजें आपने डाउनलोड की हुई है मोबाइल फोन में, कभी देखी क्या बेटे? इससे आपकी लाइफ बनने वाली है तो, और अकाउंट से, और अकाउंट्स की जान पता क्या, जनरल एंट्रीज। अगर जनरल एंट्रीज आती है तो आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर जनरल एंट्रीज नहीं आती तो बेटे एंड तक आपको दिक्कत आने वाली है। मैं फिर यही कह रहा हूं, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो प्लीज रजिस्टर खोलिए बेटे। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए कि भाई जनरल एंट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस का मतलब मैंने बताया, जैसे मैथमेटिक्स में काउंटिंग की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे इंग्लिश में ABCD की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे हिंदी में क ख ग ढ की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज की इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती, जैसे काउंटिंग नहीं आती मैथमेटिक्स में, तो आप बड़े बड़े सम नहीं कर पाएंगे। लेट द एज ऑफ द फादर बी एक्स, लेट द एज ऑफ द सन बी वाई, बेटे वो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे अगर आपको काउंटिंग नहीं आती। इसी तरह से बेटे अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज की इंपॉर्टेंस है। और मैंने एक मूवी दिखाई थी, उसका शायद गाने की वॉल्यूम कम हो गया, मूवी थी 1942 और लव स्टोरी का एक गाना दिखाया था। अनिल कपूर मनीषा कोराला को देखकर क्या बोलता है, रिप्रेजेंट कैसे करता है कि एक लड़की को देखा तो कैसा लगा जैसे खिलता गुलाब। तो मैंने कहा जनरल एंट्रीज की इंपॉर्टेंस इस तरह की है जैसे मैथमेटिक्स में काउंटिंग, जैसे जैसे इंग्लिश में ग्रामर, जैसे जैसे
हिंदी में वर्णमाला बिल्कुल उसी तरह से इंपॉर्टेंस है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बॉर्डर्स बताई, फिर बेटे मैंने कहा कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अकाउंटिंग अजम्पशंस बेटे जो हमने की। अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, मनी मेजरमेंट अजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, बेटे ऐसी बड़ी सारी अजम्पशंस हैं जो हम करेंगे। मैंने खाली तीन बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को करने से पहले, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि पूरा चैप्टर आप इन्हीं तीन चार अजम्पशन से कर सकते हो, तो फिर एक साथ सारी बताता तो आप भूल भी तो जाते। तो मैं उतना ही बताया जितना आपको जरूरत थी, लेकिन मैंने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर में सारी अजम्पशन को डिटेल में बताया है। तो मैं आज तो जनरल इंट्रेस्ट कर रहा हूं, उसके बारे में नहीं जा रहा। मुझे उम्मीद है कि आप वो वीडियो देख रहे होंगे। तो आइए जी, मैंने आपको तीन बातें बता दी हैं पिछले दो लेक्चर्स में। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स बताई, दूसरा अजम्पशन बताई, और बेटे लास्ट लेक्चर टू में मैंने आपको डबल इफेक्ट बताया कि हम जब भी जनरल एंट्रीज पास करेंगे, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हम डबल इफेक्ट लेते थे, बिल्कुल उसी तरह से बेटे जनरल एंट्रीज में भी हम डबल इफेक्ट लेंगे, डबल एंट्री सिस्टम करेंगे, डबल अकाउंटिंग करेंगे। और डबल के चक्कर में मैंने बताया कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। आप कहीं खाली में देता जाओ तो कितने दिनों तक देंगे, लेंगे नहीं तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। बेटे इस दुनिया में एक किसान खेती करता है, अपनी जमीन पे बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, तो जाके उसकी उसकी जो खेती है बेटे बड़ी होती है। सरसों, सरसों के फूल आते हैं, इसका मतलब सरसों के फूल के लिए उसको मेहनत करनी पड़ी। आप बताइए, आज आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप पास होंगे, तो आप कुछ दे रहे हैं तभी तो कुछ मिल रहा है। ये दुनिया पूरी ब्रह्मांड जो चल रही है बेटे, कायनात दो रूल्स पे चल रही है। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, तो वहीं से डबल एंट्री सिस्टम आ रहा है बेटे। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि डबल एंट्री में हमने क्या करना है। हमें डबल एंट्री में मैंने एक केस स्टडी बताई थी कि आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, जॉब करते हैं पैसे कमाने के लिए। बेटे खाली पैसे का अचार डालना है, उस पैसे से करेंगे क्या? बेटे खाना खाना हो तो पैसे थोड़ी खाएंगे, बेटे उस पैसों से खाना खरीदेंगे, उस पैसे से घर खरीदेंगे, उस पैसे से वस्तुएं खरीदेंगे, उस पैसे से सर्विसेज अवेल करेंगे। तभी तो वो बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज सुबह उठ जाते हैं और बेटे बेटे पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं। और इतना तो रामलाल अपनी वाइफ राम प्यारी के साथ नहीं रहा जितना वो बेटे ऑफिस में रहा। सर क्या कह रहे हैं? हाँ बेटे, 8 बजे रामलाल अपने घर से चला जाता था, वो जॉब करता है, और 9 बजे उसको नोएडा पहुंचना होता है। बेटे 1 घंटा उसको मेट्रो में लग जाता है। बेटे 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक वो इंप्लॉयर की बातें सुनता है, काम करता है, क्योंकि उसको पता है तभी पैसे मिलेंगे। बेटे शाम को 6:30, 7 बजे अपने घर पहुंचता है। बेटे इतना थक चुका होता है कि उसको अपना घर भी ध्यान नहीं रहता, वो साथ वाले मोहल्ले के आप घर के साथ वाले घर के अंदर घुस जाता है, ये सोचकर कि शायद यही घर है। बेटे आप ये बताओ, पूरी लाइफ उसने काम करते करते लगाई, तो क्योंकि वो पैसे चाहता है, पैसा पैसा। अब उस पैसे का उसने अचार थोड़े डालना है बेटा, उस पैसे से वो वस्तुएं खरीदेगा, थिंग्स खरीदेगा, सर्विसेज लेगा। तो अल्टीमेटली आप कुछ पाने के लिए कुछ खो रहे हैं। तो बेटा वहीं से मैंने डबल इफेक्ट शुरू किया था। जैसे आपको एक पेन चाहिए और आपको पेन खरीदना है, 50 रुपए का पेन है, तो बेटे छोटा सा बच्चा भी पता है उसको कि 50 रुपए दूंगा तो पेन मिलेगा। एक बबल गम लेनी है, 5 रुपए देगा तो बबल गम मिलेगी। बेटे आपको समझ आ रही है जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ? मैंने आपको डबल इफेक्ट में बताया था कि अगर आपको कंप्यूटर खरीदना है, बाइसाइकिल परचेज करनी है, पेन खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, बेटे कुछ भी इस दुनिया का आप सर्विसेज देख लो। मैंने एग्जांपल दिया था ब्यूटी पार्लर का, शहनाज हुसैन। बेटे आपको कहीं भी जाना है, अगर आप फैशन ब्यूटी सर्विसेज ले रहे हैं तो आप एक चीज ले रहे हैं दूसरी दे रहे हैं, एक चीज ले रहे हैं दूसरी दे रहे हैं। बेटे इस दुनिया में लेन देन चलता है। तो मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया कि हम जनरल एंट्रीज पास तो करेंगे, किसकी बेटे? ट्रांजैक्शंस की पास करेंगे बेटे, ट्रांजैक्शंस की पास करेंगे बेटे, ट्रांजैक्शंस की। और हम ट्रांजैक्शंस में ऐसे दो अक्षर, हम उस ट्रांजैक्शन को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हाँ, हम उस ट्रांजैक्शन को तोड़ देंगे, और तोड़ के हम उसके कम दो पार्ट करेंगे। एक पार्ट
या एक एलिमेंट अलग रखेंगे, दूसरा एलिमेंट अलग रखेंगे और हम देखेंगे उसमें से कौन सा पार्ट या कौन सा एलिमेंट आप ले रहे हो, लेन लेना या मिलेगा, और कौन सा पार्ट और कौन सा एलिमेंट आप दे रहे हो, दोगे गिवअप करोगे, बेटे कुछ तो गिवअप करना ही पड़ेगा। आप बताइए, आप सीए करेंगे, सीएस कर रहे हैं, आईसीडब्ल्यू कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ के जवानी के साल लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो बेटे, कुछ लगाओगे तभी कुछ मिलेगा। तो हम उस ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं और उसमें ये देखेंगे कौन से दो पार्ट्स हैं, कौन से दो एलिमेंट्स हैं, कौन से दो कीवर्ड्स हैं। जैसे मैंने कहा पेन परचेज किया, कैश दिया और पेन परचेज किया, तो बेटे आपको इसमें दो हिस्से क्या हुए, पेन और कैश, क्योंकि मैंने कैश दिया पेन आया, पेन आ रहा है, पेन ले रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो बेटे दो हिस्से समझ आए। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर परचेज किया, आप बताए कंप्यूटर एक पार्ट है और कैश दूसरा पार्ट है, कंप्यूटर ले रहे हैं कैश दे रहे हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कई बार आप पूरे पैसे नहीं देते, फॉर एग्जांपल आपने एक बाइसाइकिल का एग्जांपल दिया था कि आपका दोस्त बंटी है, आप बबली है, आप अपनी बाइसाइकिल अपने दोस्त बंटी को देना चाहती हैं, आप 15,000 में बेचना चाहती हैं, लेकिन बंटी कहता है मेरे पास आज पैसे नहीं है, 15,000 रुपए मैं एक महीने के बाद दूंगा। अब आपका दोस्त है, आपको उस पर विश्वास है, आपको उस पर ट्रस्ट है, इसलिए बबली ने वो बाइसाइकिल बंटी को दे दी, लेकिन बबली ने उसके बदले में उसे प्रॉमिस ले लिया, प्रॉमिस को एक्टिव कर दिया। क्या प्रॉमिस? कि बंटी विल पे दिस मच अमाउंट आफ्टर दिस मच पीरियड, 15,000 रुपीज टू बबली। तो बेटे आपने दिया क्या, आप बबली हो, आपने दिया क्या, बाईसाइकिल दे दी, लिया क्या, कैश नहीं लिया बेटे, प्रॉमिस लिया बेटे, वायदा लिया। तो इस प्रॉमिस को एक्टिव क्रिएट किया आपने, एक्टिव बनाया, और ये प्रॉमिस आपने लिया कि बंटी आपको इतने दिनों के बाद इतने पैसे देगा। तो देख लीजिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट को हम डेबिट करते हैं और एक पार्ट को हम क्रेडिट करते हैं। बेटे कोई रूल याद नहीं रखना, अमेरिकन अप्रोच, यूरोपियन अप्रोच, कुछ नहीं याद रखना। मैं जब भी पहला जो क्वेश्चन करने वाला हूँ, बड़े सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पहला क्वेश्चन जो मैं करूंगा, मैं आपको सारी अप्रोचेस कराऊंगा, लेकिन बेटे आज पहले आप भूपेश आनंद की अप्रोच समझ लो, आत्मा समझ लो बेटे, चाहे वो अमेरिकन स्टाइल है या वो यूरोपियन स्टाइल है, उन दोनों के पीछे आत्मा ये चार्ट है जो मैंने बनाया। बेटे आप बबली है, आपने बंटी को बाइसाइकिल दी और बंटी से प्रॉमिस लिया, कुछ दिनों के बाद जब बंटी आपको पेमेंट कर देगा तो जो प्रॉमिस आपने लिया था बेटे, वो पूरी लाइफ एक्टिव थोड़ी रहेगा, बेटे वो पूरी लाइफ एक्टिव नहीं रहेगा। तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब बंटी पैसे आपको दे देगा, तो बेटे आपने जो पहले बंटी से प्रॉमिस लिया था, आपने पहले क्या किया था, बंटी प्रॉमिस डेबिट, बाइसाइकिल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बाइसाइकिल जा रही है, जो चीज जा रही होती है उसको क्रेडिट करते हैं और जो चीज आ रही होती है उसको डेबिट करते हैं। अभी लिखते कैसे हैं वो सब बताऊंगा, मैं खाली आपको लॉजिक बता रहा हूं कि आप बबली है, वो बंटी है, आपने उसको बाइसाइकिल बेची, उसने 15,000 का आपको प्रॉमिस दिया, आपने लिया क्या प्रॉमिस, आपने दिया क्या बाइसाइकिल, तो आपने जो लिया उसको डेबिट किया, क्या बंटी प्रॉमिस डेबिटेड। बेटे बंटी का नाम लिखना जरूरी है, जो व्यक्ति प्रॉमिस दे रहा है उसका नाम लिखना जरूरी है। तो मैंने लिखा बंटी प्रॉमिस डेबिट बाइसाइकिल क्रेडिट। अब महीने के बाद बंटी ने आपको पैसे दे दिए, अब बेटे जो आपने प्रॉमिस पहले क्रिएट किया था उसको बेटे डीएक्टिव करना है, क्योंकि आपने उसको एक्टिव बनाया हुआ है। आप बताइए इस दुनिया में कोई भी प्रॉमिस क्या हमेशा एक्टिव रह सकता है? नहीं बेटे। आज उसने पैसे दे दिए अपने प्रॉमिस के हिसाब से, तो जो प्रॉमिस आपने पहले क्रिएट किया था आज उसको रिवर्स करेंगे, आज उसको खत्म करेंगे, आज उसको ऑपोजिट करेंगे। तो बेटे जो प्रॉमिस पहले एक्टिव हुआ था वो आज रिवर्स कैसे होगा जब तक उसको क्रेडिट नहीं करेंगे? तो एक महीने के बाद जब बंटी ने आपको पैसे दे दिए तो कैश डेबिटेड, कैश टू बी डेबिटेड, क्योंकि कैश आ रहा है, और वो जो प्रॉमिस आपने क्रिएट किया था आज उसको रिवर्स करके खत्म करेंगे, दैट प्रॉमिस टू बी क्रेडिटेड। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बेटे प्रॉमिस वाली बात बताई थी,
और फिर मैंने मैंने थिंग्स वाली बात बताई थी, मैंने सर्विसेज वाली बात बताई थी, फिर मैंने लॉस और प्रॉफिट भी बताया था कि कई बार आप जा रहे होते हैं आपको कोई सामान मिल जाता है, उसके बदले में आप देते कुछ नहीं है। मोबाइल फोन मिल गया तो आपने कहा, मैंने कहा मोबाइल फोन टू बी डेबिटेड। अब कुछ दिया थोड़ी, कैश भी नहीं दिया, वादा भी नहीं दिया, प्रॉमिस भी नहीं दिया, क्योंकि रास्ते में सड़क में पड़ा वो मिल गया, तो बेटे ये तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, इसको हम कहते हैं गुड लक। और बेटे कई बार मैंने बताया था आग लग जाती है, जैसे आजकल सऊदी अरेबिया में आग लगी हुई है, बेटे जब आग लग जाती है मान लेते या चोरी हो गई तो बेटे आपको नुकसान हो गया, बैड लक है ये बैड लक है, गुड्स चली गई, गुड्स जा रही है और बेटे आपके हाथ में कुछ नहीं आया, तो लॉस टू बी डेबिटेड, गुड्स टू बी क्रेडिटेड। बेटे चार सिचुएशंस अगर आप ध्यान से समझ लो तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैं अभी आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस खुद आप कर पाएंगे, हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं अपने मेथड से कराऊंगा जो आत्मा है, फिर आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, यूरोपियन मेथड, अमेरिकन मेथड दोनों से कराऊंगा और फिर बताऊंगा कि पेपर में कैसे करना है। लेकिन बेटे पहले लॉजिकली समझ तो लो जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए इसको लिख लेते हैं बेटे, पहले कसम होगी अगर आपने ना लिखा तो मैं बता रहा हूं आपको कसम होगी। ऊपर लिखिए ट्रांजैक्शन, उसको लिखिए तोड़, तांड लिए तोड़ तोड़, ब्रेक करो ब्रेक करो, हाँ उसके ऊपर हथौड़े मारो हथौड़े मारो बेटे हथौड़ा हथौड़ा मार रहे हो किस पे, ट्रांजैक्शन पे, टूट जा ट्रांजैक्शन, तू ट्रांजैक्शन टूट जा, तेरे दो हिस्से हो जाएं, तू पांच में डिवाइड हो जा, तेरे दो एलिमेंट्स हो जाएं, और वो तोड़ना बहुत आसान है। जैसे जैसे सैलरीज पे की, तो बेटे इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो हिस्से कौन से हुए, सैलरी और कैश। बैंक में पैसे जमा कराए तो बेटे दो कीवर्ड क्या हुए, बैंक और कैश। तो सबसे पहले आपको वो कीवर्ड ढूंढने हैं, फिर देखना है कि कौन सा एलिमेंट जा रहा है और कौन सा एलिमेंट आ रहा है। बेटे वो चार सिचुएशंस मैंने लिख दी हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट का मतलब ले या लेना या गेट, क्या लोगे बेटे, चार चीजें, चार सिचुएशंस जो लास्ट क्लास में बताई थी। बेटे बेटे थिंग्स, या तो आप थिंग्स लोगे जो आप मेहनत कर रहे हो, थिंग्स कपड़े खरीदोगे, खाना खरीदोगे, घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, लैपटॉप लोगे, वॉच लोगे, बेटे या तो थिंग्स लोगे, दूसरा या सर्विसेज लोगे, तीसरा बेटे प्रॉमिस भी तो ले सकते हो, जैसे मैंने बबली और बंटी का बताया कि अगर उसने उस समय पैसे नहीं दिए तो प्रॉमिस क्रिएट करोगे, और अगर प्रॉमिस क्रिएट हो गया तो पूरी जिंदगी कभी एक्टिव नहीं रहेगा, उसको उसको रिवर्स करना है, उसको खत्म करना है जब वो पेमेंट कर देगा। अच्छा जब वो पेमेंट करेगा तो आपको खाली कैश मिलेगा, आप दोगे कुछ नहीं क्योंकि पहले दे चुके हो। बबली को जब पैसे मिलेंगे महीने के बाद, बंटी जब देगा तो उस समय बबली कैश तो ले रही है, उसके बदले में कुछ नहीं दे रही, लेकिन वो जो प्रॉमिस उसने एक्टिव किया था उसको डीएक्टिव करने के लिए खत्म करेगी। और बेटा लास्ट बैड लक लॉस, चार बातें लिख लो जी, ये पूरा चित्र बनाओ, यकीन से कहता हूं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन कर पाओगे। अगर ले रहे हो, अगर मिल रहा है, अगर मिलेगा तो आप उसको डेबिट करोगे, ये आत्मा है, आत्मा परमात्मा गजनी धर्मात्मा। आइए आइए मेहरबान कदरदान, अब ट्रांजैक्शन को क्रेडिट में भी डिवाइड करो। आपको देखना दो हिस्से बनाने, झूला है, झूला है, हाँ एक तरफ सीसो है, एक तरफ डेबिट है, एक तरफ क्रेडिट है, डेबिट का हिस्सा लिख लिया तो क्रेडिट लिखिए, क्रेडिट का मतलब है देन, देना, गिव। बेटे वही चार, वही चार, थिंग्स, सर्विसेस, प्रॉमिस। अब यहां पे फोर्थ पॉइंट आ गया बेटे, गुड लक, प्रॉफिट। खाली यहां पे डिफरेंस है, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर है बैड लक और यहां पर है गुड लक। बेटे चारों चीजें लिख दो, यकीन मानो मैं बड़ी से बड़ी एंट्री इसी कंसेप्ट से करा दूंगा। आगे आ जाओ मेरे बेटे, बेटे अब कुछ बातों का ध्यान रखना है। बेटे अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं ना, है ना बेटे, तो बेटे कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम फाइव स्टार में जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से किसी पार्टी में जाते हैं तो ध्यान रखते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ भी करते हैं इस दुनिया में तो बेटे हमें कुछ रूल्स, मान्यताएं, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करनी है। जैसे मेट्रो में जाते हैं तो बेटे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं,
ऐसे ही जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए बेटे हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं। तो बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, मुझे अच्छा लगेगा बेटे आप लिख रहे हैं और सीधे बैठे हो, मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको पता भी नहीं है बेटे। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्रीज। पहली बात का ध्यान रखना है कि आपको डरना नहीं है, आपकी अगर इंग्लिश में हाथ टाइट है, ग्रामर आपको नहीं आती तो कोई बात ही नहीं है बेटे। अकाउंट्स में और मैथमेटिक्स में हम ग्रामर का प्रयोग नहीं करते, हमें कोई बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने, हमें कोई एसे नहीं लिखना, हमें कोई पंचुएशन का ध्यान नहीं रखना, तो नो यूज ऑफ ग्रामर। हम मोटी मोटी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, प्यारी प्यारी बातें लिखेंगे, हमने कोई कहानियां कोई एसे नहीं लिखना किसी के ऊपर। तो पहली बात समझ लो, लिखो No use of grammar. हम ग्रामर को यूज नहीं करेंगे। That is same as we solve questions in mathematics. बेटे mathematics में हम जैसे solve करते हैं ना questions, बिल्कुल उसी तरह से हमने accounts में questions को solve करना। इसका मतलब हम पूरा sentence नहीं लिखेंगे, keywords को लिखेंगे, ठीक है जी? We will not use full sentence. दूसरी बात का ध्यान रखना है। पहली बात ग्रामर का ध्यान रखना है कि ग्रामर जो यूज नहीं करनी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कुछ नहीं। सेकंड, वी विल नॉट यूज फुल सेंटेंस, हम पूरे पूरे लाइन वर्ड्स पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखेंगे, रादर वी विल यूज द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, पार्ट्स, जिन दो हिस्सों में आपने तोड़ा उन पार्ट्स को यूज करें, उन बैलेंसेस को यूज करेंगे, उन कीवर्ड्स को यूज करेंगे। जैसे पेन खरीदा और कैश दिया, तो मेरे लिए कीवर्ड क्या हो गए? पेन और कैश। किसने खरीदा? छोड़ दीजिए। किससे खरीदा? छोड़ दीजिए। सैलरी पे की, सैलरी और कैश मेरे लिए कीवर्ड हो गए। कंप्यूटर खरीदा सानियन ब्रदर्स से उधार में, तो कंप्यूटर मेरे लिए कीवर्ड हो गया और प्रॉमिस दिया मैंने क्योंकि उधार में खरीदा है, सानियन ब्रदर्स मेरे लिए कीवर्ड हो गया। तो बेटे दो बातों का मैंने खुलासा किया, ग्रामर का ध्यान नहीं देना और सेंटेंस पूरे नहीं बनाने, ठीक है जी? एक बच्चा तो बहुत ही खुश हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, कैश मेरा कीवर्ड हो सकता है, बैंक मेरा कीवर्ड हो सकता है, सैलरी, वेजेस, पेन, बाइसाइकिल, कंप्यूटर, लिख लो बेटे, लिख लो, समझदारी ना करो, बिल्कुल लिख लो, मैं बता रहा हूं आपको, फायदे में रहोगे, आपको ज्यादा समझ आएगा। हम दो बच्चों को रखें, एक बच्चा खाली सुनता जा रहा, बस ध्यान से सुन रहा है, दूसरा बच्चा भी ध्यान से सुन रहा है लेकिन लिख भी रहा है। तो बेटे अंडरस्टैंडिंग अगर हम लेक्चर के बाद देखें तो उस बच्चे की ज्यादा होगी जो सुन भी रहा था और जिसने लिखा भी, तो इसलिए लिखना जरूरी है बेटे। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बिल्डिंग मशीनरी एटसेट्रा, इंफिनिटी तक जाती है बेटे, लिस्ट इंफिनिटी तक जाती है। आओ, मैं भूपेश आनंद आपको थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं जो बड़ा ही प्रीशियस है बेटे, बड़ा प्रीशियस। इन जनरल एंट्रीज We will maintain two parts. बेटे हम दो parts बनाएंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा। एक बच्चा तो इतना उतावला हो रहा, सर जल्दी बता दो जनरल एंट्रीज कैसे लिखते हैं। बताऊंगा बेटे, ठंड तो रखिए। मैंने अभी कहा हम कभी भी जनरल एंट्री करेंगे तो उसके दो पार्ट्स करेंगे, उन दो पार्ट्स के कीवर्ड्स देखेंगे और उन कीवर्ड्स को यूज करेंगे, उसमें से एक कीवर्ड को डेबिट करेंगे और एक कीवर्ड को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? जो लिया, जो लेंगे, जो गेट कर रहे हैं। क्रेडिट किसको करेंगे? जो दिया, जो देंगे, जो गिव अप कर रहे हैं। वो मैं सब बताऊंगा प्रैक्टिकली, आपको यहां तक तो समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट, वी विल प्रिपेयर अ स्पेशल फॉर्मेट। बेटे आप ये बताओ कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन हमने किया था तो बेटे उसको एक फॉर्मेट फॉलो किया था ना? फिर बेटे हमने इस दुनिया में कुछ भी किया तो बेटे उसका स्पेशल एक फॉर्मेट है, जनरल एंट्रीज का एक फॉर्मेट है, कैश बुक का एक फॉर्मेट है। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि जनरल एंट्रीज कभी भी पास करनी है तो बेटे कुछ लाइनें ड्रॉ करनी है। एक बच्चा कहता है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लाइनें ड्रॉ करी थी। बेटे हाँ की थी, वहां पे अलग तरह की थी, यहाँ पे अलग तरह की करनी है, लेकिन लाइनें वहां भी मारी थी, लाइन यहां भी मारेंगे। समझ आ रही है आपको बेटे? फोर्थ पॉइंट, वी विल प्रिपेयर अ स्पेशल फॉर्मेट फॉर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज। वी विल प्रिपेयर अ स्पेशल फॉर्मेट फॉर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज। बेटे देखो भूपेश आनंद ने वो फॉर्मेट भी बना के दे दिया, जनरल एंट्रीज ऊपर लिखेंगे,
बेटे पहला कॉलम छोटा सा डेट का होगा। बेटे बेटे डेट लिखेंगे कौन सी तारीख, क्योंकि हर तारीख में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, तारीख पे तारीख डलेगी कि हर रोज मान लेते हैं एक तारीख 10 बार भी आ सकती है, क्या पता एक दिन 10 ट्रांजैक्शंस हो, तो आप 10 बार उसी डेट को लिखेंगे। बेटे हर ट्रांजैक्शन के लिए डेट आएगी। बेटे बेटे अगर आप राइट हैंड साइड में देखिए तो मैंने एक कॉलम बना दिया डेबिट साइड का और एक कॉलम बना दिया क्रेडिट का, नीचे लिख दिया अमाउंट। बेटे अगर आप अमेरिका में हैं तो डॉलर्स आएंगे, अगर आप यूरोप में हैं तो यूरोज आएंगे, अगर आप जापान में हैं तो येन आएंगे, अगर आप इटली में हैं तो लीरा आएंगे, और अगर आप इंडिया में हैं तो अमाउंट की जगह रुपीज आएगा। तो बेटे मैंने अमाउंट लिख दिया, बोलो कोई टेंशन है? बेटे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डेट का खाना बनाया और इस तरफ डेबिट और क्रेडिट, डेबिट के नीचे भी अमाउंट, क्रेडिट के नीचे भी अमाउंट, क्योंकि हमें डबल इफेक्ट लेना है। एक एलिमेंट को, एक पार्ट को हम डेबिट करेंगे, एक एलिमेंट को, एक पार्ट को हम क्रेडिट करेंगे। अब बेटे बीच के दो खाने पर, एक मोटा एक पतला। बेटे पहले मैं मोटे की बात कर दूं, पर्टिकुलर्स। बेटे कारण क्या है, हम उसकी समरी लिखते हैं, हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उस ट्रांजैक्शन को तो उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। जैसे सैलरी पे की थी, पेन खरीदा था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 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 मैं आपसे कहूं मैंने मैंने पेन खरीदा, मैं बबलू, तो मैं लिखूंगा जी पेन डेबिट, पेन टू बी डेबिटेड, पेन टू बी डेबिटेड, कैश टू बी क्रेडिटेड, और नीचे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा छोटा सा छोटा सा छोटा सा, बी पेन परचेस्ड फॉर कैश। बेटे एक लाइन में हम उसके बारे में लिखेंगे, संक्षिप्त लिखेंगे, सो दैट कुछ दिनों के बाद हमें ध्यान में रहे कि हमने वो जो कीवर्ड्स ऊपर लिखे हैं, पेन और कैश लिखा है, हमने किया क्या था। तो बेटे वो कारण है, पर्टिकुलर्स में इसका मतलब है कारण, व्हाट इज अ रीजन बिहाइंड दैट, सो वी विल राइट डाउन दैट रीजन इन द पर्टिकुलर कॉलम। और बेटे ये लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो, ये मैं जब अकाउंट्स लेजर्स कराऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें उस लेजर, जिस लेजर में इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब इन जर्नल एंट्रीज की हम पोस्टिंग करेंगे और खातों में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, उसका क्या पेज नंबर है वो यहाँ लिखेंगे। उसमें भी टेंशन मत लें, आप बस पहले लाइंस ड्रॉ करें। ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज, पहला कॉलम बनाए जी डेट का, दूसरा कॉलम बनाया जी पर्टिकुलर्स का, डेट का तो छोटा ही होना चाहिए, पर्टिकुलर का थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, लेजर फोलियो तो सबसे छोटा होना चाहिए, और बाकी जो का जगह बच गई उसको आधे में पार्ट कर दीजिए डेबिट और आधे में डिवाइड कर दीजिए क्रेडिट, और नीचे लिख दीजिए अमाउंट अमाउंट। बेटे हम इस तरह का फॉर्मेट आने वाले दिनों में फॉलो करने वाले इन पासिंग जर्नल एंट्रीज। जल्दी से बेटे बना दीजिए, बस लास्ट पॉइंट बताना है, आज का लेक्चर खत्म, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। बेटे मैं फिर रिपीट करूंगा, मेरे पहले 5 लेक्चर देखोगे तो जाकर आपको सारी बातों का खुलासा होगा। अधूरी पिक्चर देखते हैं तो उसके बाद, जैसे आप मूवी देखने गए और आप लेट पहुंचे, पिक्चर स्टार्ट हो गई थी, तो आपके हमेशा मन में कसक रहेगी यार पूरी नहीं देखी, पूरी नहीं देखी, पूरी नहीं देखी, भले आपके रिलेटिव्स बता दें ये हुआ था लेकिन मजा तो नहीं आएगा। भले इसी तरह से अगर आप सीधा लेक्चर 3 देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, पहले लेक्चर 1 देखें कुछ समझ आएगा, लेक्चर 2 देखें कुछ और समझ आएगा, लेक्चर 3 देखें पूरा समझ आएगा, और लेक्चर 4 और 5 तक प्रैक्टिकल करें। बेटे 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 ढोल बजाने शुरू कर दोगे जनरल एंट्रेंस के नाम के, ढोल ढोल बाजे ढोल बाजे। बेटे फॉर्मेट बना दिया, आओ जी मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आपको मैंने कहा 4 ही सिचुएशंस होंगी, या तो थिंग्स या सर्विसेज या प्रॉमिस और या प्रॉफिट और लॉस। तो 4 पॉइंट लिखिए, इन ऑल सिचुएशंस, ऑल क्या, 4, थिंग्स सर्विसेज प्रॉमिस प्रॉफिट लॉस, इन ऑल सिचुएशंस फॉर विच वी हैव टू पास जनरल एंट्रीज, in all situations for which we have to pass journal entries we should divide। बेटे journal entry pass करते समय मैं last point फिर बता रहा हूँ, repeat कर रहा हूँ, we should divide transaction into 2 parts, 2 elements में divide करना चाहिए, then identify। बेटे पहले हमने 2 elements निकाल लिए,
सैलरी निकाल ली, कैश निकाल लिया, बाइसाइकिल निकाल ली, प्रॉमिस निकाल लिया, तो बेटे तब उसके बाद आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करोगे? जो आ रहा है, जो ले रहे हो, जो लेना है, जो लेना है, जो मिलेगा, जो गेट कर रहे हो, और जो दे रहे हो, जो देना है, जो दोगे, जो गिव अप करोगे, उसको क्रेडिट करेंगे। सब समझाऊंगा बेटे, सब समझाऊंगा। उपेश आनंद का लेक्चर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लिख लो बता। देन आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज टू बी डेबिटेड, लेना, गेट, एंड विच एलिमेंट और पार्ट इज टू बी क्रेडिटेड, देना, गिव अप। एंड लास्ट कीवर्ड्स देखने, और बेटे बस आप तैयार हो। जैसे आप स्कूल में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो बेटे आप पूरे ड्रेसअप हो जाते हो, बस आप रेडी हो, अब बिल्कुल बाहर जाना है। किसी की मैरिज अटेंड करने जाते हो, तो बेटे पहले मुंह साफ करते हो, फेस वॉश लगाते हो, कपड़े पहनते हो, अच्छे से कपड़े पहनते हो, परफ्यूम लगाते हो, और बस चाबी लेते हो गाड़ी की, बस अब निकलना है। इसी तरह से बेटे जनरल एंट्रीज में पहले 3 लेक्चर्स के बाद बस अब हमें प्रैक्टिकल के लिए निकलना है। बाकी दी बातें छोड़ो, अब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो बेटे इस तरह से मेरे ये 3 लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, छोटे छोटे। लेक्चर 4, लेक्चर 5 में मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, सारे मेथड्स कराऊंगा। आपको सभी अटेंड करने हैं, यकीन मानिए आप पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे अगर आपने 2 लेक्चर 4 में अटेंड कर लिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।